ट्रिपल फोर अवेकनिंग अनंजलि गार्डन्स में आप सभी का स्वागत है। ओम नमः शिवाय, जय मां दुर्गा। फ्रेंड्स, आने वाले सोलर इक्लिप्स आपके लाइफ में क्या चेंजेस लेके आ रहा है, आज मैं उसकी रीडिंग करूंगी। और आज अर्थ साइन की रीडिंग होगी टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न। तो इसमें हम देखेंगे कि आपके लिए क्या ब्लेसिंग्स या गाइडेंस निकल के आ रही है और क्या आपके लाइफ में चेंजेस आने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। टॉरस की लाइफ में क्या चेंजेस आने वाले हैं, टॉरस की लाइफ में क्या चेंजेस आने वाले हैं। एंजल्स प्लीज कनेक्ट मी। टॉरस की लाइफ में क्या चेंजेस आने वाले हैं। आई फील दैट टॉरस की आपके लाइफ में दो कार्ड्स आए हैं फ्रेंड्स। मैं कार्ड्स दिखा दूंगी, डोंट वरी। सिक्स ऑफ कप्स, आपके लाइफ में सिक्स ऑफ कप्स एंड टेन ऑफ पेंटिकल्स। And bottom of the deck, eight of cups. चलिए हम कुछ और कार्ड्स निकालते हैं। टॉरस के लाइफ में आने वाले चेंजेस, इसमें भी दो कार्ड्स निकल गए हैं फ्रेंड्स। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड क्वीन ऑफ Swords. आपके लिए गाइडेंस कार्ड ले लेते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड, ओके। स्टार का कार्ड। तो चलिए फ्रेंड्स, हम इसे गाइडेंस कार्ड आपके बाद में बताएंगे। पहले ये जो आपके लिए कार्ड आया है सिक्स ऑफ कप्स, मुझे लगता है कि आपके सिक्स ऑफ कप्स जो है आपकी रियूनियन होने वाली है आपके लाइफ में लव को लेकर के। हो सकता है आपकी मैरिज हो अपकमिंग डेज में, और या आप लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हो तो आपके पार्टनर आपसे मिलने के लिए आए। आप दोनों, आपको कोई गिफ्ट मिल सकते हैं, फ्लावर्स मिल सकते हैं। तो सोलर इक्लिप्स के बाद आपकी रियूनियन पॉसिबल हो सकेगी। एंड सिक्स मंथ यानी जून इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। सो जून आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि रियूनियन लेके आ रहा है। हालांकि सोलर इक्लिप्स जो होने वाला है उसकी एनर्जी जो है टॉरस के लिए मिली जुली ही रहने वाली है, ठीक है। और आपके लिए जो आ रहा है वो है टेन ऑफ पेंटिकल्स, यानी कि आपको मनी से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम जो होगी वो अब बिल्कुल भी सॉल्व हो जाएगी। आपकी जो फाइनेंशियल स्टेटस है वो काफ़ी ज़्यादा डेवलप हो जाएगी। फाइनेंशियल स्टेटस डेवलप होने के बाद हो सकता है कि आपको मनी से रिलेटेड कुछ गिफ्ट वगैरह भी मिले। आप किसी की हेल्प कर सकते हैं अपने मनी से, किसी को भी, या आपको कोई हेल्प मिल सकता है। आप पूरी तरह से, आपको मनी से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम है वो आपकी सॉल्व होगी, या आपको कोई जॉब वगैरह भी मिल सकता है। तो स्पिरिचुअल गिफ्ट्स भी मिल सकते हैं आपको, और आपको मनी की चिंता नहीं करनी है। तो ये सोलर इक्लिप्स के बाद आपके लाइफ में ये चेंजेस होने वाले हैं।
अगर कोई लड़की देख रही है तो हो सकता है उनके लाइफ में काफ़ी ज़्यादा वो क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की तरह होंगी, वो काफ़ी ज़्यादा फर्टाइल बनेंगी, वो काफ़ी ज़्यादा क्रिएटिव बनेंगी, काफ़ी ज़्यादा अपने पैसों पर वर्क करेंगी, और जिससे वो काम पर ध्यान देंगे जिससे पैसे अर्न होते हैं, तो वो काम वो फेमिनाइन कर सकती हैं या मैस्कुलाइन भी कर सकते हैं। सो यहाँ पे एनर्जी ही देखी जा रही है क्वीन ऑफ सोर्ड्स। आप खुद पे एक डिपेंडेंट पर्सन होंगे, क्योंकि क्वीन ऑफ पेंटिकल्स मुझे ये बता रहा है कि आप खुद पे डिपेंडेंट होंगे, और टेन ऑफ पेंटिकल्स मुझे ये बता रहा है कि आप जो जो होंगे, दो दो क्वीन आ रही है यहाँ पर, काफ़ी ज़्यादा अच्छी एनर्जी है, तो आपकी लाइफ में जो है आप खुद से डिसीजन लेंगी खुद अपने लिए, और काफ़ी ज़्यादा एक्टिव रहेंगी ये मुझे दिख रहा है, और आपके पार्टनर भी आ सकते हैं और आप उनसे मिल सकती हैं, तो आपकी रियूनियन भी पॉसिबल हो सकती है। आपके लिए जो एंजेलिक गाइडेंस कार्ड आया है फ्रेंड्स, वो ये है कि एंजल आपको ये बता रही है कि आपके लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन होने वाले हैं। यहाँ पे देख लीजिए कितना खूबसूरत कार्ड है, आपके लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन होने वाले हैं, और आपको डीप हीलिंग करनी चाहिए अपनी, ताकि ये ट्रांसफॉर्मेशन जल्दी जल्दी हो जाए आपके फेवर में, और ये सारे चेंजेस जो हो रहे हैं बहुत तेजी से हो रहे हैं, सेलुलर लेवल पे हो रहे हैं, एनर्जी लेवल पे हो रहे हैं, तो ये सारे चेंजेस जो हो रहे हैं। एंड स्टार का कार्ड, यानी कि आपको होप रखना है, आप एक स्टार की तरह चमकने वाली हैं। अगर आप अपने पेंटिकल्स पे वर्क कर रही हैं और अब तक बहुत सारा वर्क कर चुके हैं, तो आपके लिए एक फाइनेंशियल गेन आने वाली है और आपको एक स्टार की तरह चमका सकती है। तो फ्रेंड्स, ये था मेरा टॉरस के लिए रीडिंग। अब है वर्गो का, देख लेते हैं। हेलो वर्गो, हाउ आर यू? आज हम आपकी रीडिंग करके देख रहे हैं कि आपके लिए क्या स्पिरिचुअल गिफ्ट आ रहा है। कार्ड्स पहले ही बहुत सारे गिर गए, हम नहीं लेंगे। आपके लिए लगता है ईश्वर बहुत सारे गिफ्ट लेकर के आ रहे हैं, तब भी तो इतने सारे कार्ड्स गिर रहे हैं। एंजल प्लीज़ मुझे बताइए, वर्गो के लिए क्या स्पिरिचुअल गिफ्ट है, या सोलर इक्लिप्स के बाद क्या उनके लाइफ में चेंजेस आने वाले हैं? बहुत सारे कार्ड्स आ गए हैं फ्रेंड्स, लेकिन मैं इन कार्ड्स को ले लूँगी क्योंकि यहाँ पे टेबल पर गिरा है। एंड बॉटम ऑफ द डेक आपका आ रहा है टेन ऑफ कप्स। इसको मैं डिटेल में बताऊंगी, थोड़ी देर रख लेती हूँ। फोर ऑफ सॉर्ड्स गाइडेंस कार्ड में ले लेती हूँ। गाइडेंस फॉर द वर्गो, गाइडेंस फॉर द वर्गो, गाइडेंस फॉर द वर्गो। ब्रेक द चेन, गाइडेंस फॉर द वर्गो, गाइडेंस फॉर द वर्गो, गाइडेंस फॉर द वर्गो, गाइडेंस फॉर द वर्गो, गाइडेंस प्लीज, गाइडेंस फॉर द वर्गो, गाइडेंस फॉर द वर्गो। ओह माय गॉड, काफ़ी अच्छे कार्ड्स आए हैं फ्रेंड्स। चलिए देखते हैं, मिले जुले कार्ड्स हैं। आपके लिए कार्ड जो आया है वो है द मैजिशियन का कार्ड, सिक्स ऑफ सोर्ड्स, नाइन ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स, द हैंग्ड मैन, सेवन ऑफ वॉन्ड्स। मुझे ये फील हो रहा है फ्रेंड्स हैंगमैन से कि अभी तक आपने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया है अपने लाइफ में, और उस स्ट्रगल को आप धीरे धीरे अपनी मेहनत से उसको कम कर रहे हो। ये जो भी अब तक आपके लाइफ में जो स्ट्रगल आया है वो काफ़ी अपनी मेहनत से आप कम कर रहे हो,
काफ़ी ज़्यादा एक्टिव हो आप और अपने लिए वर्क कर रहे हो, अपने ऑब्स्टिकल को हटाने की कोशिश कर रहे हो, आप आगे बढ़ रहे हो। पेज ऑफ वांड्स मुझे ये बता रहा है कि आप एक्शन में आ चुके हो, आप आगे बढ़ रहे हो, आपका मूवमेंट हो रहा है, आपका मूवमेंट हो रहा है, आप जो है अपने जर्नी पर आगे बढ़ चुके हो। अपने वांड्स की एनर्जी यानी कि आप बहुत ज़्यादा एक्शन में हो, किसी भी वर्क पर आप बहुत ज़्यादा काम करने में, किसी भी काम को आपने अपने हाथ में लिया है और अपने हाथ में लिया है और आप आगे इसकी ओर जो है बढ़ रहे हो उस काम को लेने के लिए। आपके लाइफ में जो है ये प्रोसेस जो है वो हो रहा है, ऑब्स्टिकल हट रहे हैं और आपके लाइफ में जो नए चेंजेस आने वाले हैं, आपके लाइफ की एक नई स्टार्टिंग होने वाली है और आपने शायद कुछ मैनिफेस्ट किया है अपने लाइफ में, कोई विश मांगी है, कुछ भी मैनिफेस्ट किया है, वो मैनिफेस्टेशन आप पूरी कर रहे हो। आपके लाइफ में वो मैनिफेस्टेशन पूरी होने वाली है, आपके लाइफ में एक न्यू स्टार्ट होने वाली है। आप अपने पेंटिकल्स पर वर्क कर रहे हो, जैसा कि मुझे ये लग रहा है कि आप मनी पे अपने वर्क कर रहे हो, तो मनी को लेकर के जो है वो चेंजेस आने वाले हैं, तो चेंजेस आने वाले हैं। यहाँ पे फोर ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड भी जो आया था, फोर ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड आप देख लीजिए यहाँ पे, तो ये मुझे ये बता रहा है कि आप बहुत जल्दी जो आपने अभी तक जो स्ट्रगल किया है उससे आप रिकवर हो रहे हो। फोर ऑफ सॉर्ड्स जो है आपको हीलिंग भी, रेस्ट भी कर रहे हो, आप रिकवर हो रहे हो उससे। अब तक जो आपने जो है स्ट्रगल किया उससे आप रिकवर हो रहे हो, उससे हील हो रहे हो, तो हील होकर के आपके लाइफ में मूवमेंट आ रहा है, आपके लाइफ में कुछ नया स्टार्ट होगा और आप अपने मनी पर वर्क करोगे और अपने मनी के ऑब्स्टिकल को, जो आपकी तरफ जो अब तक मैनिफेस्ट नहीं हुई थी उसके ऑब्स्टिकल को आप हटाओगे और जो कुछ भी आप मैनिफेस्ट करोगे, क्योंकि आप में पावर है, आप में एक डिवाइन पावर है, जो कि आपके लिए गाइडेंस कार्ड भी आया, आप में एक डिवाइन पावर है, आप डिवाइन का हेल्प आपको मिला हुआ है, तो आप अपने लाइफ को अपने तरीके से बदल सकते हो। एंड वर्गो इसी के लिए जाने भी जाते हैं, वर्गो बहुत ज़्यादा ही अपने पेंटिकल्स पर काम करते हैं, वर्क करते हैं, बहुत ही वर्कोहलिक होते हैं, मेहनत करते हैं और वो अपने डिवाइन के साथ सोल लेवल पे कनेक्ट होते हैं। तो जैसा कि मैं भी वर्गो हूँ उस तरह से मैं ये बता सकती हूँ कि अपने पेंटिकल्स पर काम करना, अपने सोल लेवल पर कनेक्ट होना और सिर्फ वर्कोहलिक होना, ये काफ़ी ज़्यादा उनकी जो है हैबिट होती है अभी। और इस तरह से जो है डिवाइन पावर भी आ रहा है आपके लिए। गाइडेंस कार्ड है फ्रेंड्स की ब्रेक द चैन, आपको जो एंसेस्टर पैटर्न है आपके, उससे आपको खुद की हीलिंग करनी है और अपना फ्यूचर, राइटिंग द फ्यूचर। इतना अच्छा कार्ड आप देख रहे हो आपके लिए आया है कि राइटिंग द फ्यूचर, अपना फ्यूचर आप खुद बनाओ, जहाँ की ये मैजिशियन मुझे ये बता रहा है कि आप में वो पावर है अपने फ्यूचर अपने अनुसार बनाने की। आप अपना फ्यूचर खुद के अनुसार बना सकते हो, आप जो चाहते हो उसे मैनिफेस्ट कर सकते हो, जो चाहते हो आप उस अबेंडेंस को अपनी ओर अट्रैक्ट कर सकते हो। तो अपने पुराने चैन को ब्रेक कीजिए, अपने वही पुरानी वाली ज़िंदगी को उसको चेंज करने की कोशिश कीजिए। जब उससे हील होइए, अगर पास्ट लाइफ में किसी ने आपको चीट करा या कुछ भी करा या वर्क में अपने बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं कर पाया, तो आप जो है उससे बाहर आने की कोशिश करें और अपने इस पुराने रवैये और दिनचर्या को बदलने की कोशिश करें, अपने आप में चेंज लाएं, आप जो चीज़ चाहोगे वो मैनिफेस्ट हो जाएगी। आप में एक डिवाइन पावर है, हमें ये डिवाइन बता रहा है कि आप में एक ऐसी पावर है जो आप अपने लाइफ को मैनिफेस्ट कर सकते हो जो चाहो वो, और आप अपने जीवन को अपने अनुसार बदल सकते हो। और मुझे ये फील हो रहा है वहाँ वन की एनर्जी है, सेवन आपको वन वन काफ़ी दिखते होंगे फ्रेंड्स फिलहाल इधर दिन, तो मुझे लग रहा है कि आपको वन वन काफ़ी ज़्यादा दिख रहे होंगे, तो हो सकता है आप ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप में भी हो और स्पिरिचुअल पाथ पे भी हो, तो आपको वन वन काफ़ी ज़्यादा दिख रहे हो। तो ये थी फ्रेंड्स मेरी वर्गो की रीडिंग, आई होप आपको अच्छा लगा हो। तो मेरे चैनल को अगर लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दे अगर आप पहली बार आए हैं, तो अगर बार बार आ रहे हैं आप मेरे चैनल के ऑलरेडी सब्सक्राइबर हैं, तो आपको थैंक यू वीडियो देखने के लिए, आपको व्यूज़ देखने के लिए। चलिए हम देख लेते हैं कैप्रिकॉर्न की एनर्जी, एनर्जी प्लीज़ बताइए मुझे कैप्रिकॉर्न की क्या एनर्जी, क्या द स्टार एंड बॉटम ऑफ द डेक एस ऑफ वांड्स।
मुझे प्लीज मुझे बताइए कैप्रिकॉर्न की म्यूजिक है। प्लीज मुझे बताइए कैसा रिकॉर्ड सेट गाइडेंस कार्ड आपके लिए देख लेते फ्रेंड्स। चलिए आपके कार्ड्स देख लेते हैं। आपके लिए तो स्टार का कार्ड्स आया है। आपको होप नहीं छोड़ना है, आपको अपने लाइफ में एक मेंटल क्लियरिटी मिलेगी। बॉटम ऑफ द डेक जैसा कि मुझे आया है, एस ऑफ सॉर्ड्स आया है, तो आपको एक मेंटल क्लियरिटी मिलेगी। आपको होप नहीं छोड़ना है। अगर आप किसी चीज किसी भी काम में अपना 100% दिया है तो वो काम आपका पूरा होगा। ये यस है कार्ड्स, दोनों ही कार्ड्स। आपने अगर मन में कुछ सोच कर रखा है कि वो काम पूरा होगा या नहीं होगा, तो वो यस आपका वो सभी काम पूरा होगा। आपको फेथ रखने के लिए कहा जा रहा है यूनिवर्स पे, एंजल्स पे, डिवाइन पावर पे, अपने गुरु जी पे, जो भी जिनको भी आप मानते हैं या मानती हैं, तो आपको ये फेथ रखने के लिए कहा जा रहा है कि आपके जीवन में जो है एक न्यू चेंजेस आएगी, एक मेंटल क्लियरिटी मिलेगी। चाहे आपको किसी रिलेशनशिप की हो मेंटल क्लियरिटी या जॉब से रिलेटेड हो, तो आपको एक क्लियरिटी मिलेगी आपको लाइफ में। थ्री ऑफ वॉन्ड्स का भी कार्ड आया फ्रेंड्स, तो हो सकता है कि आपकी लाइफ काफ़ी ज़्यादा ट्रैवल करने के लिए आप कहीं जा सकते हो, या किसी टीम वर्क में आपको काम करने का मौका मिल सकता है। ऐसे सॉर्ट्स का ये भी है कि आपको ये क्लियर होगा कि आप किसी टीम वर्क का हिस्सा है या नहीं, आप मिल करके काम कर सकते हैं या नहीं, आपको यहाँ पे चीज़ें क्लियर होंगी। तो आपको होप नहीं छोड़ना, आपकी लाइफ भी आगे बढ़ेगी। मैं एक चीज़ और, एक कार्ड्स और लूँगी आपके लिए। मैं देखना चाहती हूँ कि आपको किस वजह से मेंटल क्लियरिटी मिलेगी, किस बात को लेकर के मेंटल क्लियरिटी मिलने वाली है। वाह, आपको अपने मुझे ये लगता है कि बॉटम ऑफ द डेक आया है आपका जस्टिस। यहाँ पर है एट ऑफ कप्स। हो सकता है आपके लाइफ से कोई पर्सन चले गए थे और बिना कुछ बताए, बिना कुछ बोले, बिना आपको कुछ कहे, तो वो आपके लाइफ से चले गए थे। तो फ्रेंड्स, आपके लाइफ में एक उनको लेकर के मेंटल क्लैरिटी मिलेगी। आपको ये पता चलेगा कि वो क्यों चले गए थे, वो आपसे आएंगे, बताएंगे। और आपके लिए भी सिक्स ऑफ कप्स आया है, यानी कि लव लाइफ को लेकर के आया है, तो आपके लिए यूनियन पॉसिबल हो सकती है, रियूनियन भी हो सकती है। तो आपको लव लाइफ को लेकर के जस्टिस मिलेगा। आपको ये अगर मन में कोई सवाल है, काफ़ी ज़्यादा परेशान थी आप तो या थे आप, तो आपके पार्टनर आपकी तरफ मूव करेंगे। और ये जो आपको छोड़ के चले गए थे, वो काफ़ी ज़्यादा आपकी तरफ मूवमेंट करेंगे। आपके आपको उनसे रिलेटेड कुछ मेंटल क्लियरिटी मिलेगी। गाइडेंस फ्रेंड्स, यहाँ पर ये एक और कार्ड भी था, एट ऑफ कप्स आया था। तो ये रिवर्स आया था एट ऑफ कप्स, तो जो आपको छोड़ गए थे, यहाँ पर भी मुझे एट ऑफ कप्स आया। ओ माय गॉड, एट ऑफ कप्स, दो 8-8 की एनर्जी है। आपको 888 या 888 बहुत दिखते होंगे, तो यहाँ पर जो है काफ़ी 8-8 की एनर्जी है। हो सकता है कि इस 36 भी आपको दिखते हो, आपके पार्टनर की एज 36 हो, तो या 63 हो, तो ये भी मुझे दिख रहा है। एक चीज़ और है मैं बता रही हूँ, मुझे ऐसा फील हो रहा है फ्रेंड्स कि 8 यहाँ पर भी है, 888 आपको देखिए यहाँ पर है, 17 एंड 7
एंड 1 8, तो 888 आपके लिए आ गया है। तो 888 आपको दिख रहा होगा काफी ज्यादा अपनी लाइफ में, तो 888 आपको ये बता रहा है कि आपको आपके लव लाइफ में अबेंडेंस, मनी में काफी ज्यादा अबेंडेंस मिलने वाली है। आप होप ना छोड़े, मुझे ये फील हो रहा है 888 का मतलब ही होता है अबेंडेंस, और आपको लव लाइफ से रिलेटेड आ रही है क्योंकि यहाँ पे कप्स की एनर्जी काफी ज्यादा। हो सकता है आपका पार्टनर पाइसियस, स्कॉर्पियो, कैंसर हो, तो मुझे ये फील हो रहा है कि आपके लव लाइफ को लेकर के आपको एक मेंटल क्लियरिटी मिलेगी। आपको एंजल्स बोल रहे हैं होप ना छोड़ें, और आपको जस्टिस मिलेगा, मुझे ये फील हो रहा है। अब यहाँ पर जो है गाइडेंस कार्ड आपके लिए आया है सेक्रल चक्रा एंड द एस ऑफ लाइट। आपको सेक्रल चक्रा की हीलिंग करनी होगी या सीखनी होगी। आपको ये फील, आपको जो अपने लिए जो अच्छा लगता है, जो आपको आगे बढ़ने से रोक रहा है, आपके लाइफ में जो ऑब्स्टिकल है, तो उसके लिए जो ऑब्स्टिकल है उसको क्लियर कर सकती है। हो सकता है आपको कोई ट्रेनिंग लेना हो, कोई टेक्निकल कोर्स करना हो आगे बढ़ने के लिए, तो आप टेक्निकल कोर्स भी कर सकते हैं किसी भी चीज़ का। तो और सेक्रल चक्रा से रिलेटेड हीलिंग करनी है, तो सेक्रल चक्रा की हीलिंग मैंने आपको बताई थी पिछले वीडियो में। अगर आपने देखी होगी पिछली वीडियो तो आपको पता होगा कि सेक्रल चक्रा की हीलिंग कैसे करते हैं। ब्लॉकेजेस साइन मैंने बताया था, आप जाके मेरे चैनल पे चेकआउट कर सकते हैं कि ब्लॉकेजेस साइन क्या है और उसकी हीलिंग कैसे होती है। तो मैंने उसका एक पॉइंट उसमें बताया था कि सेक्रल चक्रा की हीलिंग कैसे की जाती है। तो एक बॉटम ऑफ द डेक में आपका जो है इंपीरियर भी आया था, तो मुझे लगता है कि आपके साइड कोई जो है आपसे कोई बड़े है, या फिर जो है मुझे लग रहा है कि आपके जो पार्टनर हैं वो काफ़ी ज़्यादा इंपीरियर की तरह, मतलब कि आपसे एज में बड़े हो सकते हैं वो, और वो आपकी तरफ आने वाले हैं। उनसे रिलेटेड आपको एक मेंटल क्लियरिटी मिलेगी और उन वो आपसे मिलने आ सकते हैं और आपकी रियूनियन पॉसिबल हो सकती है। आपको डिवाइन कह रहा है कि आप होप ना छोड़ें, जो आपको छोड़कर चले गए थे वो फिर से आपके ओर वापस आएंगे, आपको बताएंगे कि वो आखिर प्रॉब्लम क्या थी और किस वजह से वो आपको छोड़कर चले गए थे। तो फ्रेंड्स, ये था मेरा आज का वीडियो टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न का। आई होप आपको अच्छा लगा हो। फिर मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।